गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। टुडे आज हम लोग जानेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में, और मैं हूँ दीप्ति एलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर HIT। तो आज हम लोग क्विकली पहले समझते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल्स होता क्या है। आप सारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस देखते होंगे, जैसे कि हाईवेज हुए, देन ब्रिजेस हुए, देन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, डैम्स, कई सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों में कुछ तो कॉमन होगा। क्या है वो? जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं, जहाँ जैसा जितना स्ट्रेंथ चाहिए उस हिसाब से हम लोग बिल्डिंग मटेरियल्स को ऑल्टर करके यूज़ करते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए कोड्स अवेलेबल है कि किस में कितना हम लोग को बिल्डिंग मटेरियल्स देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। फर्स्ट, सीमेंट। सीमेंट बेसिकली क्या है? ये एक बाइंडर है, यानी कि फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को जो बाइंड करता है, मिलाता है, मिला के रखता है। तो जब तक आपका जो सीमेंट है या फिर कंक्रीट है या मोर्टार है, जो भी है, आपका सेटिंग टाइम कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक उस इन सारी चीज़ों को एक जगह रखने का काम होता है सीमेंट का। इट इज़ अ बाइंडर। तो इफ़ यू लुक इन टू द डेफिनेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीमेंट्स आर एडहेसिव एंड कोहेसिव मटीरियल विच आर केपेबल ऑफ बॉन्डिंग टुगेदर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर, यानी कि आपका फाइन एग्रीगेट्स हो गया, यानी कि सैंड, कोर्स एग्रीगेट यानी कि आपका स्टोन चिप्स, ये सारी चीज़ों को लेके आपको एक कोहेसिव, यानी कि जो सेपरेट ना हो पाए, ऐसा एक पेस्ट बनाना होता है, ऐसा एक मिक्सचर बनाना होता है। सो सारे इंग्रेडिएंट्स को ये एक जगह रखता है। अब सीमेंट बनता कैसे है? ये है हमारे पास, यू कैन सी, आर्जिलेशियस एंड कैलकेरियस मटेरियल। पहले क्या होता था कि हम लोग लाइम यूज़ करते थे। सीमेंट पहले हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तब तक इन्वेंट नहीं हुआ था। तो आप अगर पुराने कंस्ट्रक्शंस अगर आप जाके देखोगे, जैसे कि पिरामिड्स हुए, पुराने टेम्पल्स हुए, या फिर कोई भी पुराना पोस्ट ऑफिस या टेलीफोन एक्सचेंज जो है, ये सारी चीज़ें जो है आपका लाइम से बना हुआ है। बट अभी क्या किया है, लाइम का मैक्सिमम कंटेंट लेकर और भी कुछ एक्स्ट्रा केमिकल्स, क्ले वगैरह मिलाकर इसे एक सीमेंट का रूप दिया गया। एंड आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो ये सीमेंट हम लोगों ने बनाया है, मोस्टली सारे कंस्ट्रक्शंस इसको यूज़ करके ही हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस दिस पोर्टलैंड, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इनका नाम था जोसेफ एस्पिडन, ठीक है? तो ये हुआ था 1824 में। तो दिस इज ऑल ब्रीफली अबाउट सीमेंट। आगे चलते हैं। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट में क्या क्या अवेलेबल है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहला आप देखोगे लाइम। लाइम सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइम को लेकर ही करते हैं। 62-65% ऑफ लाइम इज अवेलेबल आपके जो सीमेंट में ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, इंग्रेडिएंट है। और ये जो लाइम है, आपका वॉल्यूम भी देता है और स्ट्रेंथ भी आपके कंस्ट्रक्शन को देता है लाइम। कमिंग टू सिलिका, 17-25%, ये नेक्स्ट लार्जेस्ट परसेंटेज है इसका। तो ये भी आपके स्ट्रेंथ को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जो प्रेजेंस ऑफ सिलिका है आपके सीमेंट में। एलुमिना 3-8%, ये सारी चीज़ें आपके सेटिंग टाइम को ऑल्टर करती है। जिप्सम भी, आयरन ऑक्साइड आपका हार्डनेस और स्ट्रेंथ दोनों को ही वो ऑल्टर करता है, और आपका पिगमेंटेशन कलर भी देता है आपके सीमेंट को। मैग्नीशिया येलोइश टिंट देता है। सल्फर, एल्कली, ये सारी चीज़ें आपके सेटिंग टाइम को ऑल्टर करती हैं। अब ये हो गया सीमेंट में है क्या कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सीमेंट एक बार पानी के साथ मिलने के बाद बनता क्या है, क्या क्या कंपाउंड्स या कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और आगे क्या निकल के आता है। अब सीमेंट तो ऐसे ही अगर पड़ा है तो वो पाउडर फॉर्म में है, लेकिन जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं हम इस सीमेंट को, तो आगे निकल के आता है कुछ केमिकल रिएक्शंस। और ये जो होते हैं रिएक्शंस सीमेंट और वाटर का, ये एक्सोथर्मिक होते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारा हीट जनरेट होता है। सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, मतलब आपका जो, जैसे ही आपने सीमेंट मिलाया पानी के साथ, आपका 24 आवर्स में एक कंपाउंड बन के आ जाता है। कुछ कंपाउंड्स को बनने में एक साल लग जाता है,
कुछ कंपाउंड्स को बनने में 7 दिन लग जाता है। इस तरह से अलग अलग कंपाउंड्स अलग अलग टाइम फ्रेम में निकल के आते हैं, तो ये हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन पहले ये कंपाउंड्स के बारे में जान लेते हैं। बोगस कंपाउंड्स इसे कहते हैं, ठीक है। तो इनमें आप ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एलाइट बोलते हैं इसे, डाई कैल्शियम सिलिकेट वेलाइट बोलते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। तो इनके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल है। तो इसको ये हमें वो प्रॉपर्टी देता है जहाँ पे बाइंडिंग प्रॉपर्टीज हम लोगों का बेटर हो जाता है। तो ये विद इन अ वीक यानी कि 7 डेज के अंदर ही ये आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, और वाटर के ऐड करने से लेकर 7 डेज के अंदर ये जो फॉर्म होता है इसका अर्ली स्ट्रेंथ, जो आपका कंक्रीट या फिर आपका जो सीमेंट स्लरी या फिर मोर्टार जो भी है उसका जो अर्ली स्ट्रेंथ है, ये हमें टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट से मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके आगे हम पढ़ते हैं ये 1 साल यानी कि कैस्टिंग के 1 ईयर के बाद ये फॉर्म होता है, ठीक है। इट इम्पार्ट्स रेसिस्टेंस टू केमिकल अटैक्स, यानी कि 1 ईयर के अंदर अगर 1 ईयर के बाद अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस या केमिकल एक्सपोजर अगर हो जाता है बिल्डिंग, तो उन सब चीज़ों से आपके स्ट्रक्चर को ये प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से और आगे भी जैसे जैसे आपका जो स्ट्रेंथ अटेन होता है, जैसे जैसे उसमें स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है सीमेंट स्ट्रक्चर में या फिर कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में, तो ये कंपाउंड के वजह से होता है, ओके। नेक्स्ट टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, तो ये 24 आवर्स के अंदर ही आपका फॉर्म हो जाता है एज सून एज यू एड वाटर, पानी जैसे ही घुलता है आपके सीमेंट के साथ, इसके तुरंत 24 आवर्स के अंदर ही ये 1 दिन के अंदर अंदर ये आपका बन के रेडी हो जाता है। इसका रेट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 चीज़ें हैं इसमें, रेट ऑफ हाइड्रेशन और दूसरा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये दोनों अलग अलग है, मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं इसमें से किसका रेट ऑफ हाइड्रेशन अलग ज़्यादा है, वो अगर आपका क्वेश्चन आए तो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट आपको देना होगा आंसर। एंड नेक्स्ट ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब एक ही बार में वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें निकल के आता है। रेट यानी कि एक इक्वल अमाउंट ऑफ ये जो ड्यूरिंग मतलब एक ही टाइम इंटरवल में जो आपका निकल के आता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये इसमें ज़्यादा है। मतलब एक जैसे एक बंदे ने 2 घंटा हर दिन पढ़ाई किया तो वो उसका पर डे का 2 घंटे का टाइम है। इसी तरह से यहाँ पे एक बंदे ने 1 ही घंटे का पढ़ाई किया लेकिन 1000 दिन तक किया, तो क्या किसका ज़्यादा होगा? रेट ऑफ जो हाइड्रेशन है इसका ज़्यादा है लेकिन इसका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है, लाइक इसका टोटल जो है ज़्यादा है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये 24 आवर्स में अगेन फॉर्म हो जाता है। इनिशियल सेटिंग इसका इसके वजह से इस कंपाउंड के फॉर्म होने के वजह से आपका इनिशियल सेटिंग जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ये कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। हाइड्रेशन ये जो टर्म है ये होता क्या है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। जैसे ही आप सीमेंट में पानी मिलाते हो तो ये जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होता है इसे हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अब हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जब सीमेंट के साथ पानी मिलता है तो ये जो रिएक्शंस आते हैं ये एक्सोथर्मिक है, यानी कि इस पर हीट प्रोड्यूस होता है। अगर आप मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है उसमें उतना ही पानी दिया है जितना कि सीमेंट को चाहिए रिएक्शन करने के लिए बस, और आपने और उससे ज़्यादा पानी नहीं दिया, तो क्या होगा? वो तो पानी कहाँ से लेगा? आपके सीमेंट के अंदर से पानी निकलता जाएगा जैसे जैसे हीट बढ़ता जाएगा। तो ये अवॉइड करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस के बाद आप लोग वाटरिंग करते हो, देखा होगा ना छत वगैरह में पॉन्डिंग बना के छोटे छोटे उसमें पानी भर के रखते हैं ताकि पानी, नहीं तो गनी बैग्स वगैरह लगा के पानी दिया जाता है पाइप से। नए वॉल्स अगर आपके आसपास बाउंड्री वॉल बना है या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन जैसे कि स्लैब बना है या कॉलम बना है, ये सारे में वाटरिंग किया जाता है। इसे कहते हैं क्योरिंग। कोई भी कंस्ट्रक्शन होने के बाद कंप्लीट होने के बाद उस पर ये क्योरिंग बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस होता है
वो आप यहाँ देख सकते हो कितना होता है, 7 days में आपका जो हीट प्रोड्यूस होता है 89 to 90 कैलोरीज पर ग्राम, ये बहुत ज़्यादा है, ये आपके पूरे स्ट्रक्चर में क्रैक्स दे सकता है अगर आप वॉटरिंग नहीं करते हो तो इस वजह से इसका अगर हम लोग कैलकुलेटेड ले कि कितना पानी चाहिए इसको ठंडा करने के लिए, वो है 23% बाई वेट ऑफ द सीमेंट। और जो आपको पानी चाहिए पार्टिकल्स को मिलाने के लिए, या फिर जो फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, सीमेंट है, इसके बीच में जो आपका स्पेस है उस वॉइड्स को फिलिंग के लिए जो आपको पानी चाहिए वो आपका मात्र 15% है। तो ये दोनों को मिला के 38% ऑफ वेट बाई वेट ऑफ द सीमेंट आपको लेना पड़ेगा आप जब भी प्लान कर रहे हो कोई भी मिक्सिंग। ठीक है, तो ये है हीट ऑफ हाइड्रेशन के हिसाब से, ये आपका कौन सा पहले आता है, टेट्रा कैल्शियम एलिमिनेट, उसके बाद क्या आता है, ये पूरा एक रेंज है। देन रेट ऑफ हाइड्रेशन के बाद किस तरह से किसका ज़्यादा है, उसके बाद क्या है, ये सारा एक रेंज है। तो ये आप ध्यान रखिएगा एग्जाम के वक्त इसमें से क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं, तो आप लोग ये थोड़ा नोट कर लीजिए। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। सीमेंट मिला लिया, पानी मिला लिया, उसके बाद क्या होता है, इतना तक तो हम लोग जान गए। अब आगे है सेटिंग टाइम। ये सेटिंग टाइम क्या होता है, बहुत देर से मैं इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम बोल तो रही हूँ, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सेटिंग टाइम क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत जगह, जैसे कि जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हो, जैसे पोर करते हो कंक्रीट को, तो वो किस कंडीशन में होता है, वो थोड़ा फ्लोएबल कंडीशन में होता है, फिर थोड़े देर के बाद वो सेटल करता है, और थोड़े देर के बाद वो हार्ड होता है। तो यही जो फेज है सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम, उसके बाद फाइनल सेटिंग टाइम करके दो चीज़ों में ये डिवाइड कर दिया गया है। अब इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, जब आप पोर करते हो कंक्रीट और उसको एक शेप में दे दिया है आपने, उसके बाद वो एकदम भी मूव नहीं करना है उसको, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, उसका प्लास्टिसिटी अब खोने लगता है, अब वो फ्लो नहीं करता है, वो अब स्टिफ होने लगता है, जस्ट स्टार्टेड टू बी लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। तो उस फेज में, जैसे यू कैन सी हियर, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज द टाइम व्हेन द पेस्ट, यानी कि सीमेंट एंड वाटर का जो पेस्ट है, स्टार्ट्स लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी, जस्ट वो फ्लोएबिलिटी लूज करने वाला है, तब उसे कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। और ये मोस्टली 30 मिनट्स होता है। अगर आपको जैसे कि बहुत सारे जगह है जहाँ पे आपका कंक्रीट मिक्सिंग का स्पेस नहीं है, साइट वगैरह में जहाँ पे आपका स्पेस नहीं है, जैसे कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे फेज़ टू का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ऐसे जगह पे आपके पास स्पेस अवेलेबल नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हो, रेडीमिक्स कंक्रीट को आप ऑर्डर दे देते हो। तो वहाँ पे ट्रांजिट मिक्सर वगैरह होता है, बैचिंग प्लांट होता है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सिंग होते हैं। तो बैचिंग प्लांट में क्या है कि वो एक कंप्यूटराइज्ड ये है, मिक्सिंग प्लांट है, जहाँ पे सारी चीज़ें पहले से प्रोग्राम्ड होती हैं, और वो ऑटोमेटिकली सारी फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट, सारा सब कुछ लेके मिक्स करके आपको साइट पे भेज देता है। लेकिन ये टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है, इस इतने टाइम को रिड्यूस करने के लिए, जैसे हम मैंने बोला कि 30 मिनट के अंदर अंदर वो अपना प्लास्टिसिटी खोने लगता है, तो इस चीज़ को अगर आपको इंक्रीज करना है डिपेंडिंग ऑन योर कंस्ट्रक्शन टाइप, तब आप क्या करोगे कि आप उसमें कुछ एडमिक्सचर्स मिलाओगे। ठीक है, ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपके सेटिंग टाइम को आगे या पीछे कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप टनल का इनर लाइनिंग का जो कंक्रीटिंग कर रहे हो, वहाँ पे तो बहुत जल्दी आपको सेटिंग होना है, नहीं तो अगर आपने वो होस पाइप से दिया है ऊपर पूरा टॉप लाइनिंग में, और वो पूरा अगर गिर रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए जहाँ जल्दी आपका सेटिंग टाइम अटेन होना है, वहाँ पे वैसे एडमिक्सचर्स मिलाए जाते हैं, एक्सेलरेटर्स, डिसेलरेटर्स, ऐसे बहुत सारे टाइप्स, वैरायटीज़ ऑफ एडमिक्सचर्स अवेलेबल है मार्केट में। अब देखते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। अब फाइनल सेटिंग टाइम होता है कि जब आपका जो सीमेंट और वाटर का जो पेस्ट है, जो भी है, कंक्रीट है, मोर्टार है, जो भी है, वो अब हार्डन हो चुका है काफ़ी, अब उसमें प्लास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं है, वो मूव नहीं करता है, वो काफ़ी हद तक हार्डन हो चुका है। अब इसमें से आप अपने जो कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा कुछ शटरिंग होता है, स्कैफोल्डिंग होता है, शटरिंग होता है, ये सारी चीज़ें फॉर्म वर्क कहते हैं, ये नया टर्म लग रहा होगा बट बहुत ही सिंपल है। आपने कंस्ट्रक्शन के वक्त कोई भी साइट में अगर देखा होगा तो लकड़ी के ढांचे होते हैं शेप में रखने के लिए, जैसे कि अगर आपने एक
कॉलम या बीम कैस्ट करना है, तो उस शेप का पहले वुडन फ्रेम लगा दिया जाता है, उसके अंदर पोर करते हैं हम लोग कॉन्क्रीट, ताकि वो शेप बना रहे जो भी आपका कैलकुलेटेड लेंथ ब्रेथ और हाइट है, वो सारा दे के आप एक फॉर्म वर्क यानी कि आप एक ढांचा रेडी करते हो, उसके अंदर आप कॉन्क्रीटिंग करते हो। अब ये स्केफोल्डिंग फाइनल सेटिंग टाइम के बाद आप रिमूव कर सकते हो, यानी कि फाइनल सेटिंग टाइम हो गया, प्लास्टिसिटी अब और नहीं है, तो आप रिमूव भी करोगे तो वो इंटैक्ट रहेगा। ओके, तो यही है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, ये कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग एडमिक्सचर्स को यूज कर सकते। अब यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं सीमेंट, उसके आगे भी बहुत कुछ पढ़े हैं सीमेंट के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रिक्स, ये एक और एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल है। ये मोस्टली आपने देखा होगा, ब्रिक्स तो बहुत ही जगह पे देखा होगा, जैसे कि बाउंड्री वॉल्स या फिर रूम्स वगैरह में, जहाँ आपको बाइफर्केशंस करने, रूम्स मोस्टली सारे रूम्स तो ब्रिक वर्क के ही बने होते हैं जो वॉल्स वगैरह हैं, तो ब्रिक्स बहुत ही ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। तो ब्रिक में आप सबसे पहले वो होता कैसा है, उसके पार्ट्स कैसे हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। ब्रिक इज अ कंस्ट्रक्शन मटीरियल दैट इज यूज टू बिल्ड वॉल्स, पेवमेंट्स एंड अदर एलिमेंट्स। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बात की हैं अभी। तो अब यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड साइज क्या है, 19x9x9 सेंटीमीटर्स, यानी कि जो लॉन्गेस्ट स्ट्रेच है वो 19 है, एंड दिस पार्ट इज 9 एंड दिस पार्ट इज 9। ओके, तो इस तरह से आपका स्ट्रेच आ जाता है। इसमें भी पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ द ब्रिक हम लोग देखते हैं। अभी जो ए, यहाँ पे ए डिनोटेड है ना, इसे कहते हैं स्ट्रेचर। ठीक है, इसे कहते हैं स्ट्रेचर, यानी कि ये जो लॉन्ग पार्ट है इसे स्ट्रेचर कहते हैं। अब हेडर किसे कहते हैं, ये जो बी डिनोटेड है ना, इस पार्ट को हम लोग हेडर कहते हैं। ये जो एक छोटा सा डिप्रेशन दिख रहा है ना यहाँ पे, इसे हम लोग फ्रॉग कहते हैं। फ्रॉग, इसके अंदर मोस्टली मोटर वगैरह भर के आप एक दो ब्रिक्स को प्रॉपरली बाइंड कर सकते हो। इसके अंदर जो ब्रिक का जो बनाने वाला है कॉन्ट्रैक्टर, वो अपना नाम भी एडवर्टाइज करता है यहाँ पे। तो मोस्टली फ्रॉग इसे कहते हैं और इसका यूज़ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं ब्रिक के बारे में और टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। कितने टाइप्स ऑफ ब्रिक्स हैं, सबसे पहले तो आपने देखे होंगे सनबर्न ब्रिक्स, ये बहुत ही सिंपली अवेलेबल है छोटे छोटे हट्स वगैरह जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ऐसे जगह पे ये ब्रिक्स अभी भी यूज़ करके कंस्ट्रक्शन करते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है लोगों के पास, या फिर टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन है, छोटा सा कुछ बनाना है टेम्परेरी है, तो ऐसे जगह पे सनबर्न और अनबर्न क्ले ब्रिक्स को यूज़ किया जाता है। आप यहाँ पे फोटोग्राफ देख सकते हो। नेक्स्ट कमिंग टू बर्नड क्ले ब्रिक्स, इसमें अगेन आपके फोर टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होते हैं, ये मोस्टली टेबल मोल्डिंग किया जाता है, यानी कि प्रॉपरली टेबल पे इसका शेप वगैरह दिया जाता है, और ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं। इनका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा होता है, इनका एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन कम होता है, और इसमें शेप एजेस सारे बहुत ही शार्प एजेस होते हैं, बहुत ही अच्छे से इनको मोल्ड किया जाता है, अच्छे से बर्न, प्रॉपरली बर्न होते हैं। ये ऐसा नहीं कि या तो ओवर बर्न या फिर अनबर्न ब्रिक्स लेके आ गए, और ये फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं हो सकते। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स मोस्टली एलिवेशन लुक देने के लिए वहाँ पे यूज़ करते हैं, ताकि एलिवेशन में आप थोड़ा उबड़ खाबड़ या ख़राब लुक आप तो नहीं एक्सपेक्ट करते हो, तो वहाँ पे फिनिशिंग ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो एक्सपोज्ड वॉल्स होते हैं उनको हम लोग फर्स्ट क्लास ब्रिक्स मोस्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका वाटर एब्जॉर्प्शन भी कम होता है, तो इनको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू सेकेंड क्लास ब्रिक्स, ये जो सेकेंड क्लास ब्रिक्स है, ये थोड़े से डिस्टॉर्टेड होते हैं, और ये सारे ब्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं आप, इनर वॉल्स में कहीं भी लगा दीजिए, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें जो प्लास्टरिंग ऊपर आता है, इस पर आपको और थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि इनका एजेस वगैरह थोड़ा सा ब्लंट होता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्लास ब्रिक्स, ये मोस्टली बर्न ब्रिक्स, ओवर बर्न या अंडर बर्न ब्रिक्स होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में तो यूज़ नहीं किया जाता है, बट अभी भी टेम्परेरी कंस्ट्रक्शंस या कहीं पे भी इनको यूज़ कर लेते हैं
कम से कम दाम में मिल जाते हैं, तो इनको भी यूज किया जाता है। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सारे ग्राउंड मोल्डिंग होते हैं, मतलब लैंड पे बैठ के वो लोग, जो आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस वगैरह में, तो वो लोग नीचे ही मोल्डिंग कर देते हैं, ग्राउंड पे मोल्डिंग कर देते हैं। ओनली फर्स्ट क्लास ब्रिक ही आपका टेबल मोल्डिंग होता है। तो ये जो फोर्थ क्लास ब्रिक है, ये फोर्थ क्लास ब्रिक कहीं भी मोस्टली कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही ब्लंट होते हैं, टूटे फूटे होते हैं, बर्नड ब्रिक्स, ओवर बर्नड ब्रिक्स होते हैं, बहुत ब्रिटल होते हैं मोस्टली। तो इनको कहाँ यूज़ किया जाता है, इनको क्रश करके या तो शोल्डर्स में रोड के साइड में, या फिर इनको आपके कंक्रीट में इनका पूरा पाउडर करके या क्रश करके इनको ऐड कर दिया जाता है, और इस तरह से इसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये है ब्रिक्स के बारे में। फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश तो आप सबको पता होगा, ये हम लोग को थर्मल पावर प्लांट में एक वेस्ट के जैसा मिलता है, बट ये बहुत ही यूज़फुल है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, आपके सीमेंट में भी ये बहुत हद तक ऐड होता है, और आपका जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में तो ये बहुत यूज़फुल होता ही है। और फ्लाई ऐश ब्रिक्स जो है हमारे पास, ये मोस्टली फ्लाई ऐश से बनता है, और इनका यूसेज आजकल कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इनका कॉस्ट भी थोड़ा कम ही आता है, और ये यूसेज में भी बहुत अच्छे होते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट कमिंग टू कॉन्क्रीट ब्रिक्स, ये मोस्टली जहाँ पे बहुत ही हाई वाइब्रेशन वगैरह आता है, ऐसे मोस्टली ये आपका पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज में ये कॉन्क्रीट ब्रिक्स यूज़ होते हैं, जहाँ आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होता है, तो वैसे जगह पे। नेक्स्ट ऑल्सो आपका इंजीनियर्ड ब्रिक्स, ये सारे इंजीनियरिंग ब्रिक्स वगैरह, आपका जो बेसमेंट्स हैं जहाँ पे केमिकल्स वगैरह ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, ऐसे जगह पे इनका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये भी ज़्यादा होता है, और वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम होता है। हम लोग अभी तक बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या इफ़ेक्ट होता है इसका हमारे ब्रिक्स का, अगर वाटर एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा पानी अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या हो जाएगा? आपके जो दो ब्रिक्स है, दो या जितने भी ब्रिक्स है, सबको आपको बाइंडिंग किससे करना है? करना तो सीमेंट से ही है। अब अगर आपने सीमेंट मोर्टार दे के बाइंडिंग कर दिया है विदाउट एब्जॉर्बिंग द ब्रिक्स इन वाटर, आपने सीधा डायरेक्ट लाए और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, क्या होगा? वो करने लगेगा एब्जॉर्ब, पानी कहाँ से करेगा? सीमेंट के अंदर से निकाल लेगा पानी। तो क्या रिएक्शन पूरा होगा सीमेंट का? जितना पानी जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था पिछले स्लाइड्स में, 15+23, वो तो पानी पूरा ये निकाल लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर इसके पास क्या होगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे आपके वॉल पर। इसलिए पहले से पानी में ब्रिक्स को एब्जॉर्ब करके रखा जाता है, उसके बाद उसको निकाल के कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अब ये है ब्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक्स, हार्डनेस, रेसिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेशन, यानी कि जब आप दो ब्रिक्स को आपस में टकराओ तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो। और चेक, अगर आप लोग कभी भी कोई साइट पे जाते हो तो आप लोग देख के ही कुछ कुछ ब्रिक्स का क्वालिटी चेक कर सकते हो, जैसे कि मैन हाइट से अगर आप ब्रिक को छोड़ो नीचे, वो ब्रिक नहीं होना चाहिए, और आगे ब्रिक्स का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ वगैरह, यानी कि आपका कंप्रेसर स्ट्रेंथ तो लैब में ही पता चलेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन आपका वहीं पता लग जाता है। फर्स्ट क्लास ब्रिक का आप देख सकते हो 20% आपका वाटर एब्जॉर्प्शन है, सेकंड क्लास ब्रिक्स का 22%, थर्ड क्लास का 25%। कुछ हैवी ड्यूटी ब्रिक्स होते हैं, ये स्पेशल मेड होते हैं, मतलब ये ऐसे जगह पे लगते हैं जहाँ पे आपका बिल्कुल भी वाटर एब्जॉर्प्शन कम होना चाहिए, तो ओनली 5% आप जैसे देख सकते हो। अब ब्रिक्स तो के बारे में थोड़ा कुछ हम लोग जान लिए हैं, अब हम लोग बात करते हैं एग्रीगेट के बारे में। एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट्स में दो वैरायटीज आते हैं, अभी आपका फाइन एग्रीगेट हो जाता है और आपका कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट में हम लोग मोस्टली सैंड, स्टोन डस्ट, ऐश, सिंडर, सुर्खी, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका जो साइज़ है आप नोट कर लीजिएगा, इट शुड पास थ्रू 4.75 mm mesh and should entirely retain on 0.15 mm mesh. Mostly questions इस पर आते हैं कि आपका जो fine aggregate है उसका क्या size होना चाहिए, तो you can write this. Basically ये जो aggregates है हम लोग का जो concrete का है उसमें ingredients ही है जो हम लोग add करते हैं, तो इसको एक बार आप देख लीजिए। Next coming to coarse aggregate,
कोर्स एग्रीगेट आपका ब्रोकन स्टोन्स हो सकता है, ग्रेवल्स, शिंगल्स, जो आपका वाटर रिवर बेड्स में जो स्टोन्स मिलते हैं उन्हें कहते हैं ब्रोकन ब्रिक्स, क्लिंकर्स, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। इसका भी साइज़ आप नोट कर लीजिएगा, हैविंग पार्टिकल साइज बिगर देन 4.75 mm एंड स्मॉलर देन 75 mm, ये आपका कोर्स एग्रीगेट कहलाता है। ठीक है, साइज ऑफ द एग्रीगेट ऑलरेडी दिया हुआ है, ये मैंने IS 456 से एक स्क्रीनशॉट दिया है आपको यहाँ पे। तो इसमें बेसिकली अगर आपका जो रॉड साइज़ है, रॉड साइज के कंपैरिजन में जब आप कंक्रीट पोर करते हो तो आपका एग्रीगेट का साइज़ क्या होना चाहिए वो दिया है। तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ, द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल within the limit specified by, in no case greater than 1/4 of the minimum thickness of the member. तो ये है, provided that the concrete can be placed without difficulty so as to surround all the reinforcement throughout and fill the corners of the form. यानी कि आप जो फॉर्म वर्क प्रोवाइड करते हो, जो लकड़ी का ढांचा देते हो जिसके अंदर आप पोर करते हो कॉन्क्रीट, तो हर एज में, हर कॉर्नर में वो जा पाए। तो इस तरह से इतने भी बड़े एग्रीगेट नहीं होने चाहिए कि आपका अगर रीइन्फोर्समेंट बीच में आ गया तो वहाँ पे बीच में आपका वॉइड्स रह गया या खाली स्पेस रह गया। तो वो एक मिनिमम रूल दिया हुआ है कि जिसके हिसाब से इतना 1/4 से कम होना चाहिए या इतना होना चाहिए, 20 mm होना चाहिए, ये दिया हुआ है। तो मोस्टली IS कोड्स आपको बहुत सारा नॉलेज दे देते हैं इसके बारे में कि कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ये जेनरिक हम लोग जो हर दिन जो हम लोग साइट में यूज़ करते हैं उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे कुछ रूल्स दिया हुआ है IS कोड में जो आप रेफर कर सकते हो। इसी तरह से पानी, अब वाटर को देखते हैं। वाटर तो सिंपल RO वाटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको कॉन्क्रीटिंग के लिए, सिंपल जो भी वहाँ पे अवेलेबल वाटर है, जस्ट सिंपल एक ही चीज़ है उसमें कि आपको pH वैल्यू उसका, इट शुड नॉट बी लेस देन 6। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है जो एज पर कोड आपको फॉलो करना है, pH वैल्यू उसका कम नहीं होना चाहिए 6। ओके, अब परमिसिबल लिमिट्स ऑफ सॉलिड्स, ये भी कहीं कहीं काफ़ी सारे एग्जाम्स में आ चुका है तो आप ये भी एक बार देख लीजिएगा, मल्टीपल चॉइस को क्वेश्चंस में मोस्टली ये आता है। तो परमिसिबल लिमिट कितना होना चाहिए ऑर्गेनिक मैटर का, 200 mg/L, देन इनऑर्गेनिक मैटर का 3000 mg/L, कमिंग टू सल्फेट्स इट शुड बी 400 mg/L, और आपका जो क्लोराइड्स है ये 2000 mg/L होना चाहिए। इस तरह से सस्पेंडेड मैटर, हर चीज़ का एक रूल है तो ये आपको फॉलो करना है। बीच बीच में आप चेक कर सकते हो, अगर आपका बहुत अच्छा स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है कॉन्क्रीट क्यूब्स के तो आप एक बार वाटर का भी मतलब प्रॉपरली ये करवा सकते हो कि उसमें क्या क्या ऑर्गेनिक मैटर कितना है, इनऑर्गेनिक कितना है, सल्फेट्स कितने हैं, क्लोराइड्स कितने हैं, ये सब। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने देखा प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट क्या होता है, यानी कि आपका सैंड और आपका जो सीमेंट स्टोन चिप्स और सीमेंट को जो यूज़ करके हम लोग एक कॉन्क्रीट मिक्स बनाते हैं तो वो सिंपल सा एक कॉन्क्रीट मिक्स बन जाता है। अभी जो हम लोग देखेंगे ये है रीइन्फोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट, यानी कि रीइन्फोर्समेंट जो आपका बार, स्टील बार्स आप प्रोवाइड करते हो, बहुत जगह आपने देखा होगा इस तरह से दिखते हैं, आपने कंस्ट्रक्शन साइट में अगर देखा होगा तो इस तरह से ये देखने को मिलता है। तो इनमें भी बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जैसे कि इस तरह से अगर आपका एक स्टील बार है तो इसमें ये जो इस डिरेक्शन में है, वर्टिकल स्लैंटिंग डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में है, इन्हें कहते हैं आप डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, और ये जो है इस तरह से ये है आपके मेन बार्स। ठीक है, और इनके चारों तरफ आप और एक बार देते हो, इसे कहते हैं टाई बार। ठीक है, टाई बार यहाँ पे तो आपका रेक्टेंगुलर शेप में है, मोस्टली अगर आप एक सर्कुलर पिलर, अगर आप सिलेंड्रिकल पिलर अगर आप कैस्ट करना चाहते हो तो उसमें आपका सर्कुलर टाई बार होगा। तो डिपेंड्स आपका जैसा बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है उस हिसाब से ये चेंज होता रहता है। तो इस तरह से आप अपने पूरे रीइन्फोर्समेंट को एक प्लेस में रखने के लिए ये टाई बार यूज़ करते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो टाई बार रखे हुए हैं, नहीं तो ये सारे एक प्लेस में नहीं रुकेंगे। तो इसको हम लोग टाई बार्स को लेके टाई करके रखते हैं इसे।
एक जगह पे रखते हैं, फिर इसके ऊपर कंक्रीट दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से कंक्रीट आ रहा है, और उसके बाद आप फाइनल फिनिशिंग करते हो। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये हम लोग कंक्रीटिंग में, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीटिंग में ये देखते हैं। तो इसमें आप ये जो ये छोटा सा पार्ट है ये मैंने IS 456 से निकाल के आपको दिया है। तो ये रीइंफोर्समेंट के बारे में, यानी कि कितने टाइप्स ऑफ स्टील है वगैरह, उसके बारे में। माइल्ड स्टील जो है ये बहुत पहले यूज़ होता था, अभी उतना इसका यूसेज नहीं है। हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील बार्स, ये HYSD बार्स कहते हैं इसे। एंड देन हार्ड ड्रॉन, ये सब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और कितने टाइप्स ऑफ स्टील है आगे चल के देखते हैं। हाँ, तो ये देखिए आपका जो माइल्ड स्टील बार्स है ये बहुत पहले यूज़ होते थे। इनका ये जो ग्रेड है FE 250 to FE 330, तो ये जो ग्रेड है ये जहाँ जहाँ जितना स्ट्रेंथ चाहिए उस पर डिपेंड होके आपका ये यूसेज होता है, वो ग्रेड ऑफ स्टील यूज़ करते हैं। स्टील मोस्टली इट इज़ गुड इन टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि खिंचाव ले पाता है आपका स्टील। कॉन्क्रीट जैसे सीमेंट, अगर आप देखो यहाँ पे कॉन्क्रीट खुद तो कंप्रेशन बहुत अच्छे से ले पाता है, लेकिन आपका जो ये स्टील बार्स है, स्टील ये टेंशन टेंसाइल फोर्स अच्छे से लेता है, ये कंप्रेशन अच्छे से लेता है। इसलिए रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो ये दोनों में ही थोड़ा बेटर हो जाता है आपका जो बहुत ही अच्छा ये एक कॉम्बिनेशन है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो सारे तरह के लोडिंग ये ले पाएगा। नेक्स्ट आपका है टॉर स्टील बार्स, HYSD जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था। हीट करके इसको कूल्ड कंडीशन में ही इसको ट्विस्ट कर दिया जाता है ताकि और वो बेटर लोड ले पाए। अब ये है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, ये थर्मल यानी कि हीट ट्रीटमेंट भी होता है और मैकेनिकली इसमें भी कुछ चेंजेस लेके आए जाते हैं। तो ये सारे इसके ग्रेड्स हैं इन दोनों के, ये आप लोग हो सकेगा तो लिख लीजिए ताकि एग्जाम में अगर ये आए तो आप लोग आंसर कर पाओ। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कॉन्क्रीट। अब यहाँ तक हम लोग तो सीमेंट सारे कॉम्पोनेंट्स अलग अलग पढ़ रहे थे, सीमेंट सैंड, अब हम लोग पूरा कॉन्क्रीट पढ़ेंगे, यानी कि इन सब का कॉम्बिनेशन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे कॉन्क्रीट के। अब देखते हैं ये मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट्स एंड वाटर इन लिमिटेड प्रोपोर्शन। ये लिमिटेड प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन यानी कि ये कितना होना चाहिए, सैंड कितना होना चाहिए, सीमेंट कितना होना चाहिए और वाटर कितना होना, इसी को आप वाटर सीमेंट रेशियो भी कहते हैं बहुत जगह पे, जहाँ पे नॉमिनल मिक्स, यानी कि जो आपका वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर या इंजीनियर बैठा हुआ होता है वो जस्ट जो लेबर रहता है उसको बता देता है कि इतना बाई इतना का आप मिक्स बना दीजिए, तो वो बना देता है। तो सिंपल छोटे मोटे कंस्ट्रक्शंस के लिए ये काफ़ी है, जैसे कि आप नॉमिनल मिक्स अगर आप बोलो कॉन्क्रीट का, तो इसमें M5, M7.5, M10, M15, M20, M25, यहाँ तक आप नॉर्मल मिक्स आपका जो भी है ये स्टैंडर्डाइज्ड है, आप ये सब लेके आप खुद से ही ये डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन आप जब हैवी स्ट्रक्चर्स बनाते हो इन सब के लिए थोड़ा डिज़ाइन मिक्स में जाना पड़ता है। डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट काम करने के लिए भी इनका जो बहुत सारे चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, ये सारे जो सामान है जैसे सीमेंट है सैंड है, ये सारी चीज़ों का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, इनका स्टोरेज अच्छे से होना चाहिए और इनको वाटर से दूर रखा जाना चाहिए, इसका स्किल्ड वर्कमैनशिप अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि अच्छे से काम करने वाले भी इसमें अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मल मिक्स में आपने बाहर बगल में मिलाया मसाला लगाया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें एडमिक्सचर्स भी दिए जाते हैं, जल्दी अगर आपको सेटिंग टाइम बढ़ाना है या कम करना है, ये सारा पूरा डिज़ाइन करके इसे हम लोग बनाते हैं। तो आप यहाँ पे ये भी एक IS 456 से कोड से मैंने एक स्क्रीनशॉट दिया है आपको, इसमें भी आपको आप देख सकते हो ऑर्डिनरी सीमेंट जो आप M25 तक का जो है नॉमिनल मिक्स है, उसके बाद आपका सारा। अच्छा, ये M क्या है, M10, ठीक है, फॉर एग्जांपल M10, M यानी कि आपका डिज़ाइन मिक्स और 10 जो है वो कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ले सकता है, ठीक है, उसका अगर आपका CTM मशीन में अगर टेस्टिंग करो तो कितने तक वो स्ट्रेंथ ले सकता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना ले सकता है, वो है आपका ये 10। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू, अच्छा इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी ये एडमिक्सचर्स प्लास्टिसाइजर्स के बारे में बात किया था लास्ट स्लाइड में, जहाँ एडमिक्सचर्स के बारे में हम लोग बात किए थे, तो वही है ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, जैसे कि आपका बैचिंग प्लांट में अगर वो मिक्सिंग हो रहा है, वहाँ से आपका जहाँ कंक्रीट मतलब लगने वाला है
वहाँ तक अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो उसमें अगर आप एडमिक्सचर्स मिलाते हो तो उसको किस तरह से आप हैंडल करते हो, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो अब और एक बात है, जैसे कि हम लोग ये सारा प्लेन सीमेंट और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए जो भी कोड यूज़ करते हैं, मैंने अभी तक जो बोला IS 456-2000 ये मैंने यूज़ किया हुआ है, और मिक्स डिज़ाइन, केवल मिक्स डिज़ाइन मात्र का ही एक और कोड अवेलेबल है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए, IS कोड 10262। इसका रिवीजन 2019 में एक हो रखा है, आप ये डाउनलोड कर लोगे तो डिटेल में आपको पूरा किस तरह से आपको मिक्स डिज़ाइन बनाना है, कितना कितना क्या क्या प्रपोर्शंस लेने हैं, किस हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कैसे बनेगी, ये सारी चीज़ें इसमें दिए हुए हैं। ओके, ये डिटेल में आप पढ़ सकते हो। अब स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट वन डे में 16%, यानी कि अगर आप एक दिन कॉन्क्रीट जस्ट कैस्ट किया है तो एक दिन में जस्ट उसका जो 100% जितना आना चाहिए, जितना आप सोच रहे हो जितना आना चाहिए उसका स्ट्रेंथ, उसमें 16% मात्र ही आता है। 3 दिन में 40%, 7 दिन में 65%, 14 डेज में आपका 90% और 28 डेज में 99%। ये 1% जो यहाँ पे है ना, ये आपको याद है मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था, एक कंपाउंड है जो आपको 4 कंपाउंड्स बताया था सीमेंट में, तो उसमें एक कंपाउंड है जिसका जो आपके 1 साल के बाद वो बन के आता है, तो वो उस कंपाउंड के वजह से ही है कि आपका ये जो इंक्रीजिंग होता रहता है, एक स्लो रेट में आपका उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता ही रहता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड के लिए, उसके बाद वो डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। कोई भी बिल्डिंग का लिमिट होता है, जैसे 10-15 साल के बाद तो बिल्डिंग का आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा नहीं, वो तो घटेगा ही, क्योंकि वेदरिंग है, बहुत कुछ है उसमें, लोडिंग है, क्रीप है, बहुत कुछ है। तो ये सारा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, सीमेंट, सारे कॉम्पोनेंट्स, इंग्रीडियंट्स ऑफ कंक्रीट, बिल्डिंग मटीरियल्स हम लोग थोड़ा ब्रॉडली हम लोग देख लिए आज, आगे और भी करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चंस अगर हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप देके पूछ सकते हो, फील फ्री टू आस्क। थैंक यू।